नमस्ते दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं महायोग नगरी ऋषिकेश के टॉप 10 बेस्ट प्लेसेस जो आपको जरूर देखना चाहिए। लास्ट प्लेस सबसे ज्यादा फेमस है, तो वीडियो को बिना स्किप करें एंड तक देखना। सन 1980 में सरकार ने डिवाइन लाइफ सोसाइटी के सहायता से ये ब्रिज बनाया था। ऐसा माना जाता है कि वनवास के दौरान भगवान राम ने यहाँ से नदी को पार किया था, इसीलिए हजारों श्रद्धालु हर साल ये ब्रिज में घूमने आते हैं। इसके अलावा 750 फुट लंबा ये ब्रिज शिवानंदा नगर और स्वर्ग आश्रम को जोड़ता है। गंगा नदी के ऊपर स्थित इस ब्रिज से जो नजारा मिलता है वो पर्यटकों को अपने तरफ आकर्षित करती है। राम झूला ऋषिकेश बस स्टैंड से 3 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। आप रिक्शा में या बस में यहाँ पहुँच सकते हैं। यहाँ पहुँचने में आपको लगभग 15 मिनट का वक्त लगेगा। लक्ष्मण झूला ऋषिकेश बस स्टैंड से 12 किलोमीटर दूरी पर स्थित है, जहाँ आप बस से 40 मिनट में पहुँच जाएंगे। भगवान लक्ष्मण ने रामायण काल में केवल 2 रस्सी के सहायता से गंगा नदी पार किया था। उनके साहस को सम्मान देने के लिए ये ब्रिज को बनाया गया था। इस ब्रिज के ऊपर आपको बहुत सारी फूलों की दुकान देखने को मिलेगी। 450 फीट के इस ब्रिज के ऊपर से मिलने वाला शानदार नजारा आपके मन को शांत कर देगा। परमात निकेतन आश्रम बस स्टैंड से 15 किलोमीटर दूरी पर स्थित है, जहां आप बस या टैक्सी से 40 मिनट में पहुंच सकते हो। परमात निकेतन ऋषिकेश का सबसे बड़ा आश्रम है। परमात निकेतन में लगभग 14 फीट का लॉर्ड शिवा का मूर्ति आपको देखने को मिलेगा। इस मूर्ति में आपको शिवजी ध्यान करते हुए दिखेंगे। परमात आश्रम में योगा और जड़ी बूटियों के बारे में शिक्षा दी जाती है। यहाँ रोज योगा क्लासेस भी होती है। यहाँ पे सबसे फेमस है परमात घाट में होने वाला महाआरती, जो सुबह और शाम को होती है। आपको इस आरती में जरूर शामिल होना चाहिए। त्रिवेणी घाट ऋषिकेश बस स्टैंड से 2 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। आप बस स्टैंड से पैदल 10 से 15 मिनट चलकर त्रिवेणी घाट पहुंच जाएंगे। त्रिवेणी घाट में स्नान करने से सारे पाप धुल जाते हैं। यहाँ का गंगा आरती बहुत फेमस है, जिसे देखने लाखों श्रद्धालु आते हैं। अगर आप भी ये आरती देखना चाहते हैं तो आपको शाम 6:30 बजे त्रिवेणी घाट पहुंचना पड़ेगा। ऋषिकेश बस स्टैंड से बस या टैक्सी में आपको 1.5 घंटे का सफर करना पड़ेगा नीलकंठ महादेव टेम्पल पहुंचने के लिए। इस मंदिर में एक 6 फीट का ऊंचा शिवलिंग है, और कहा जाता है कि समुद्र मंथन के दौरान शिव जी ने यहाँ पर हलाहल विष का अंत किया था। इस विष को पीने के बाद शिवजी का कंठ नीला हो गया था, इसीलिए इस मंदिर का नाम नीलकंठ महादेव मंदिर रखा गया। हर साल यहाँ हजारों भक्त और पर्यटक आते हैं यहाँ का शांत वातावरण का आनंद उठाने। शिवपुरी ऋषिकेश बस स्टैंड से 5 किलोमीटर दूरी पर स्थित है, जहाँ पहुँचने में आपको 15 मिनट का वक्त लगेगा। शिवपुरी जाके आप रिवर राफ्टिंग, ट्रैकिंग, कैंपिंग और अन्य अन्य एक्टिविटीज का आनंद उठा सकते हैं। यहाँ का प्राकृतिक सुंदरता और संस्कृति लोगों को अपने और आकर्षित करती है। नीरगढ़ वाटरफॉल्स ऋषिकेश से मात्र 8 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। ऋषिकेश में ट्रेकिंग के लिए ये सबसे अच्छी जगह है। नीरगढ़ वाटरफॉल्स 3 वाटरफॉल्स को मिलके बना है। यहाँ का पानी बहुत ज्यादा क्रिस्टल क्लियर और ब्लू रंग का है, इसलिए ये जगह नेचर लवर, फोटोग्राफर्स और हाइकर्स को सबसे ज्यादा आकर्षित करता है। और आप यहाँ जरूर अपने साथ एक्स्ट्रा कपड़े लेकर आए, ताकि आप यहाँ का पानी में जाकर आनंद उठा सके। भरत मंदिर ऋषिकेश के सबसे प्राचीन मंदिरों में से एक है। ये मंदिर ऋषिकेश बस स्टैंड से 15 मिनट दूरी पर स्थित है, जहाँ आप पैदल भी जा सकते हैं। महाभारत, विष्णु पुराण जैसे बहुत सी उपन्यासों में भरत मंदिर का उल्लेख किया गया है।
12वीं शताब्दी में महर्षि शंकराचार्य ने यह मंदिर का प्रतिष्ठा किया था। महाभारत के अनुसार पांडवों ने स्वर्ग जाने के रास्ते में यहाँ पर भगवान ऋषिकेश नारायण का पूजा किया था। यहाँ पर बहुत सी धार्मिक उत्सव पालन की जाती है जो भक्तों को आकर्षित करती है। राजाजी नेशनल पार्क बस स्टैंड से लगभग 6 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। बस स्टैंड से आप 15 मिनट के अंदर राजाजी नेशनल पार्क पहुंच सकते हो। इस जगह पे आप जंगल सफारी, हाइकिंग, बर्डिंग और रिवर राफ्टिंग भी कर सकते हैं। आप उसके अलावा भी टाइगर, चीता और भिन्न प्रकार के वन्य जीवन का अनुभव कर सकते हैं। ऋषिकेश बस स्टैंड से बीटल्स आश्रम 14 किलोमीटर दूरी पर स्थित है, जहां पर टैक्सी या रिक्शे में आपको पहुंचने में 35 मिनट का वक्त लगेगा। 1968 में फेमस रॉक बैंड बीटल्स ने महर्षि महेश योगी के इस आश्रम में मेडिटेशन का शिक्षा लिया था। उसके बाद बीटल्स के खिलाफ विरोध के कारण उन्हें वहां से जाना पड़ा। उसके काफी समय बाद इस आश्रम का नाम बीटल्स आश्रम दिया गया। यहाँ पे ज्यादातर टूरिस्ट मेडिटेशन करने के लिए आते हैं। ये जगह फोटोग्राफर्स के लिए भी काफी आकर्षणीय है। ये है ऋषिकेश के टॉप 10 प्लेसेस। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हम मिलते हैं किसी और वीडियो में नए जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।